Hi babies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sahi sahi link hogi description box mein. Namaste, this is Divija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe hain Shashwat Maheshwari. I think I haven't reacted to him ever. आपका रिकमेंडेशन था बहुत सारे स्टैंड अप कमेडियंस को जो हम देखते हैं दे वर ऑल रिकमेंडेड बाय यू. हम उनको कभी ऐसे नहीं ढूंढ पाते अनलेस इट वाज फॉर यू. सो आई एम रियली थैंकफुल और ग्रेटफुल उसके लिए. सो लेट्स सी व्हाट ही होल्ड्स फॉर अस. आई गेस कबूतर एंड अदर जोक्स स्टैंड अप कॉमेडी. डिस्क्लेमर है दिस इज अ मैशअप ऑफ जोक्स फ्रॉम द शो ट्रेन ऑफ थॉट. ओके, दो साल पहले का आया चुकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके दैट्स फाइन. आप शॉर्ट जोक्स हैं. यू हैव सेंड दिस वीडियो टू मी सो लेट्स गो लेट्स गेट इट. और बाकी तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मजा आएगा. एंड लेट्स सी शॉर्ट जोक्स बाय शाश्वत महेश्वरी एंड प्लेइंग. मैं मम्मी के साथ मार्केट गया था. भिखारी आया और बोलता है कि खाने के लिए पैसे दे दो. तो मैं देने लगा तो मेरी मम्मी बोलती नहीं पैसे मत दो सीधे खाना ही दे दो. मैं कहा वो भिखारी आपका बेटा नहीं है. No, but it makes sense. किसी को तो अपने मन का खाने दो यार. Okay, okay, I get that. 18 साल हमने सिर्फ भिंडी खाई है. मेरे घर में नॉर्मल भिंडी बनती है. कुछ बर्थडे हो तो ज्यादा भिंडी बन जाती है. भरी वाली. मेरी मम्मी भिंडी लेके घूमती है कि कोई दिख जाए. भिखारी बोल रहे भूख लगी तो भूख भूख ये लो. मुझे देख रहे कि ये क्या है यार. ये अरे मेरे घर में खुद भिंडी बनी है तभी तो भीख मांग रहा हूँ. नहीं तो मैं अच्छे घर का हूँ यार. माय मॉम्स ऑलवेज आस्किंग देम क्वेश्चंस आल्सो. अच्छा बताओ कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं. इतने हट्टे कट्टे तो काम क्यों नहीं करते. बोल रहे मैडम ले लो वापस कोई. मैं 20 रुपए में कॉफी विद करण नहीं खेल पाऊंगा. इतना पैसा नहीं दिया आप. ऐसे 20 रुपए दे के उसके बाद पूछेंगे इस पैसे का क्या करने वाले हो. मैं आप एंजल इन्वेस्टर नहीं है. आप पैसे दो भीख और आगे बढ़ो. मेरे फ्यूचर का सोचो. आपको क्या प्रॉब्लम है अगर वो पैसे लेके अपने मन का कुछ खा लेगा. व्हाट इज योर इशू. कहती नहीं हो सकता वो पैसे ले और फिर खाना ना खाए कुछ और करे. तो मैं बोला कुछ और हो सकता है करना. भिखारी सिर्फ खाना थोड़ी खाती हूँ और भी काम. कहता मोजा वोजा खरीद लो. कह रही नहीं हो सकता वो पैसे ले और फिर ड्रग्स कर ले. मैंने आप उसकी शक्ल देखी है. उसका करियर खत्म है. ही इज हिट इज रॉक बॉटम. His life is falling apart. अब नहीं करेगा ड्रग्स तो कब करेगा. जॉइंट रोल करने लगता. वो हर दिन भीख मांग रहे यार उसको. अब तो मैं पैसे नहीं देता. मेरे को भिखारी दिखते मैं ड्रग्स ही दे देता हूँ. भगवान बचाए इस वीडियो को. दादर स्टेशन के बाहर LSD बांट रहा हूँ. जाओ हेलुसिनेट करो देखो कुछ अच्छा. पेट स्टोरीज इज अ प्रॉब्लम. ओके लाइक पीपल हु हैव डॉग्स they like to be called dog parents but what they don't like to be called is aur kutiya. dogs parents which is strange because if you are a parent you are the same species na to bol nahi sakte kya. inko itna aasan mila yaar. dekho jiske paas kutta hai na wo janta hai ki wo dosti kar sakta hai sabse to wo apni personality pe work hi nahi karta. acha pehen ke kahin bhi aa gaye hatao ye to ab to log humse baat karenge ye kutta hai na. अरे आपका कुत्ता इसका नाम क्या है. हटाओ यार क्या है. तू अपनी पर्सनालिटी के दम पे दोस्ती करना क्या. कुत्ते का सहारा क्यों ले रहा. इसको हटा फिर देखते हैं कौन. बट आई थॉट वील ऑल्सो गेट अ पेट. पर प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मेरी एक दोस्त है वो पीटा में है तो बोलती है कि वट एवर यू डू डोंट बाय यू हैव टू रेस्क्यू. मैं बोला क्यों. कहती कि जो द पेट स्टोर्स ना दे डोंट कीप द एनिमल्स प्रॉपरली. वो मारते हैं ठीक से खाना नहीं देते. डोंट ट्रीट देम वेल. तो मैं बोला तो फिर इनको रेस्क्यू कर लेते हैं. तो मेक सेंस है ना. दे नीड मोर हेल्प. नहीं मैं सड़क पे कुत्ते देखे वो तो खुश रहते हैं यार. नाच रहे हैं भाग रहे हैं उनको खाना मिल रहा है सेक्स मिल रहा है उनको. यार मुझे तो कुत्ता चाहिए भी नहीं क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड हैं. तो कुत्ता तो हम छुपा नहीं पाएंगे ना. वो कोई आएगा तो कैसे छुपाएंगे. हमने कहा कुछ ऐसा छोटा लेते हैं जो जेब में डाल देंगे जब कोई जेब में. तो हमने कहा हम कछुआ खरीदेंगे. तो हम गए जेब में डाल देंगे.
वी वेंट टू अ पेट स्टोर और हमने बोला कि वो कछुआ दे दो. ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पे दीवार फोन पे खेल रहा है. हमने बोला कछुआ दो तो ऐसे उठा के दे रहा है. मैंने कहा थोड़ा एफर्ट डालेगा साले. मैंने बोला दूसरा दो फ्रेश पीस. मैंने कहा फीचर्स बताओ क्योंकि हम पहली बार खरीद. कह रहा है इसका एज स्पैन 100 साल का है, 100 साल जीता है और 100 रुपए का है. तो हमें माइलेज बहुत अच्छा लगा. हमने हम यही ले रहे. कहता ये कछुआ है और ये इसका पेट फूड है, ये 800 रुपये का डब्बा. हमारा 100 रुपये का कछुआ और उसका 800 रुपये का पेट फूड हम ले आए. सीरियसली ठीक है. हम खेले थोड़े टाइम, खेल रहे हैं. उसके बाद मेरा दोस्त बोलता है बोर होके कि यार ये बहुत बेकार पेट है. यार पड़ा रहता है कुछ करता ही नहीं है यार. अब वो बोल कछुए कर रहा है, दर्द मुझे हो रहा है. मैं तो आराम नहीं करेगा क्या? अरे तू क्यों बुरा मान. मैंने साले तूने भी तो एमबीए किया, क्या उखाड़ लिया. कह रहे कुछ करते नहीं है, 100 रुपये का पेट है वो चल रहा है और क्या, उड़ने थोड़े लगे. वॉट यू तो कछुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम लड़ रहे हैं आपस में. फॉर एवर होम मुझे नहीं पता दिया कि नहीं, पर असली इंडियन फैमिली तो दे दी हमने. बच्चे के सहारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, बच्चा पड़ा. एंड वी डोंट ट्रीट इट प्रॉपरली. हमने बाल्टी में डाल दिया सी तैरो. टर्टल है. गोल गोल तैरा थोड़े टाइम, थोड़ा फिर ट्रॉमा में मर गया वो. अब 100 रुपये का कछुआ था वो मर गया, 800 रुपये का डब्बा बचा है हमारे पास. फेट फूड बहुत सारा बचा था. हमने क्या करें, तो हम छिपकलियों को देने लगे तो छिपकलियाँ काफ़ी आ गई. और मैं अपने दोस्त को बहुत गिल्ट किया यार. मैं बोला कि साले तूने मार दिया एक नन्ही सी जान, शर्म आनी चाहिए तुझे. हमने इतना गिल्ट किया कि उसको भूत दिखने लगा यार. कहता मेरे को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो पीछा कर रहा है मेरा. कह रहे लेकिन अभी तक यहीं पर पहुँचा है वो. मैं कानपुर में रहता था, मेरे घर के पास एक चिड़िया रहती थी. मैं हर दिन यही सोचता था भाई हमारी तो मजबूरी है, तुम क्या कर रही हो यहाँ. Who lives in कानपुर by choice, dude? तुम्हें पंख है, मैं जो उड़ जाओ तुम. मेरे पंख होते मैं यूरोप में रहता. इनका वीजा नहीं लगता. मेरी फैमिली है, मैं कहीं मूव नहीं हो सकता है ना, मजबूरी है हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बैचलर चिड़िया, बैचलर चिड़िया नाली के ऊपर घोंसला बना के कानपुर में रह रही है. देयर टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड फकिंग रिटार्डेड बर्ड्स. इफ यू आर अ बर्ड एंड यू डोंट फ्लाई अवे टू यूरोप राइट नाउ, यू आर अ फकिंग इडियट. बी हमिंग बर्ड के बारे में पढ़ रहा था. दिस इज द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स एंड नॉट ऑल. This is their claim to fame, कि ये उल्टा उड़ लेती. I don't think that's true. I think every bird can fly backwards. They just choose not to. Be humming bird बतानी है सबको. देखो मैं क्या करूँ. कह रहे तू ही कर भाई. ये चुती आप तू ही कर. This is reason आँखें आगे हैं. यहाँ पे उड़ना होता है यार. क्या उखाड़ लिया तुम उल्टा उड़ के यार. अच्छा लगे दो चिड़िया हवा में उड़ी पीछे और भिड़ के नीचे गिर गई. लोग नजारे देख रहे, पहाड़ देख रहे, फिर खंबे पे चिड़िया भिड़ के नीचे गिर रही. मैं वीगन हूं लेकिन मैं चिड़िया तो खा ही लेता हूँ. I didn't get that. इतने सारे कॉमिक्स ने कबूतरों पे जोक मारे हैं यार. Birds. I feel so bad. हर बार कोई कबूतर होते हैं बस पॉटी करते रहते हैं ये वो जो भी. एंड आई फील लाइक इन्होंने रिसर्च नहीं करी है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं बस. मैं कहा मैं रिसर्च करूंगा. तो पिछले 4 साल से हर दिन 2 घंटे में बैल्कनी में बैठ के कबूतर देखता हूँ. एंड आई रियलाइज सही कह रहे थे ये लोग. बहुत होते हैं यार कबूतर. मैं 18 फ्लोर पे रहता हूँ, हमारी बैल्कनी से एक कबूतर फिसल के नीचे गिर गया. मैन लिटरल स्टडी ऑफ पिजन्स जूलॉजी में लिटरली एवरीथिंग अबाउट दैट. हाउ कैन यू एज अ बर्ड स्लिप एंड फॉल यार. मैं शर्म नहीं आई. मैं इंपैक्ट से ना मरूं, मैं जिल्लत से मर जाऊंगा. कोई दूसरी चिड़िया बोली सर पे क्या हुआ था, वो फ्लोर स्लिपरी था. अच्छा लगे ऐसे कबूतर नीचे गिरते हुए जा. तुम्हें लगा शूट हुआ है, देखोगे तो ऐसे फड़फड़ा के उठ जाए. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दीज बर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं देख रहा हूँ इनको उड़ने की तमीज नहीं है. अच्छा देयर इज नो एफिशिएंसी यार. तुम चील को देखोगे 2 पंख मारेगा इतनी दूर जाएगा, ये फड़फड़ाते रहते यहाँ तक पहुँच पाते.
इतना इतना पंग घुमा, पूरा घुमा लेना, क्या हो गया तुझे? दोनों पंग सही है, एक पंग से उड़ रहा है, एक पंग सर पे रखा है, घूम रहा है गोल गोल, पर मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ये घुमा नहीं रहा साले तू, इसलिए। I have seen pigeons cross the road on foot. दोनों तरफ ट्रैफिक देख के लेफ्ट राइट उड़ना, इनको मारने भागो कि ना दौड़ेंगे ये लोग, इनको उड़ने का आइडिया नहीं आता यार। कुछ चिड़िया ही नहीं ठीक लगती यार ये, क्या पंख मिल गए, तमीज नहीं आई इनको। No, he was really good. No, I have to say, he was really, really good. हमने पहली बार देखा, बहुत मजा आया। लेकिन yes, I'm definitely scared for the few things, but we'll try to take care of it, जितना हो सके उतना। लास्ट में तो उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, थैंकफुली, उसमें मैंने कुछ नहीं किया है। यूजली पहले करते हैं एक्चुअली, थोड़ी गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा होता है कि स्टार्ट के कुछ मिनट्स में तो ऐसा नहीं ही आना चाहिए, वरना तुम्हें ज़्यादा चांसेस है स्ट्राइक लगने का। पीछे थोड़ा हो तो चलता है कभी कभार, कभी कभार, यू नेवर नो। फिर तुम अगर हाथ में आ गए यूट्यूब के तो लाइक मी, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट दिस इज सो ट्रू, एंड आई थिंक मे बी पिजन्स आर मेड दैट वे, लाइक आई लव्ड इट, आई लव्ड देम ऑल, आई लव्ड ऑल ऑफ दोज, दे वर वेरी क्लीन ऑब्जर्वेशंस, सीरियसली रिलेटेबल, फनी, नेचुरली फनी। मतलब ऐसा नहीं था कि आसानी का ट्राई कर रहे थे, पंच लाइन्स केम इन राइट राइट एट द राइट टाइम, ग्रेट टाइमिंग एज वेल, एंड आई रियली लाइक्ड इट, टू बी ऑनेस्ट, आई ट्रूली एंजॉयड इट। थैंक यू जिन्होंने भी ये रिकमेंड किया था, काफ़ी टाइम से एक्चुअली ये था हमारे पास सेव टू वॉच लेटर में, आई एम ग्रेटफुल आई डिड इट। मोर डेफिनेटली इफ यू एंजॉय इट विथ मी देन वील डू इट, एंड नहीं तो हम खुद करेंगे विदाउट recording it. I'll see you guys next time. Bye babies, love you.